मैंने शुरू किया था 2017 में, और शुरू किया था पेरेंटिंग नीश से, क्योंकि उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे और मेरे को वही कंटेंट मेरे पास था ज्यादा बोलने के लिए। वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है। जब मैंने नीश चेंज किया, तो आप जब एक बार नीश चेंज करते हो ना, आपका व्यूज एकदम से गिर जाता है। हैव अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50 आइडियाज रेडी। ऐसा नहीं है दो तीन आइडिया आए और चलो चैनल शुरू करते। यूट्यूब का एडसेंस रेवेन्यू है, कोलैबोरेशन है, अफिलिएट है, इसके अलावा मेरा एक कोर्स भी है जहाँ पे मैं सिखाती हूँ कि एक ऑनलाइन बिजनेस फ्री टाइम पे कैसे करते हैं। और जाके उनके पुराने वीडियोज देखो, इतने वाहियात होते हैं मेरे खुद के। अगर जाके देखोगी तो कोई आवाज ठीक नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। हेलो एवरीवन, सो टुडे वी हैव मिसेस प्रतिका, जिनके ओवरऑल 500,000 फॉलोइंग है सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे। सो प्रतिका, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू थैंक यू फॉर कमिंग ओवर माय चैनल। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। ओके, सो प्रतिका, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे प्रतिका कौन है, वो क्या करती हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और उनका जर्नी जो उनका वर्क फ्रॉम होम जर्नी है, करियर है, वो कैसे स्टार्ट हुआ। मेरा नाम प्रतिका लूनिया है, मैं एक साइड हसल कोच हूँ। मैं सिखाती हूँ कि अगर दिन में आपके पास 2-3 घंटे फ्री टाइम है तो उसको यूज़ करके कैसे आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो, या कोई भी काम कर सकते हो 2-3 घंटे में फ्री टाइम में, ठीक है। एंड अदर देन दैट I also have YouTube channel, वगैरह socials में सारे content है ही, वो आप जाके देख सकते हो। And if you ask about my journey, मैंने शुरू किया था 2017 में, और शुरू किया था parenting niche से, क्योंकि उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे और मेरे को वही content मेरे पास था ज़्यादा बोलने के लिए। वैसे तो बहुत लंबी story है, but let me cut to the point कि मैंने parenting का channel शुरू किया था 2017 में, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, जितना बोलना था सब बोल दिया मैंने। और मेरे को वो फेक वीडियोस नहीं बनाने थे कि सिर्फ कहीं से आर्टिकल पढ़ लिया और उस पर वीडियो बना दिया। मेरे को हमेशा से ऐसा कंटेंट बनाने की इच्छा रहती है जिसे मैं खुद कनेक्ट कर पाऊँ और मैं दूसरों को भी हेल्प कर पाऊँ, जो मेरे अंदर से आए। तो वही मेरा हमेशा से मोटो रहा है, एंड बिजनेस मेरे को हमेशा से फैसिनेट किया है। तो मैंने धीरे धीरे बिजनेस आइडियाज़ पे वीडियोस बनाने लग गए और काफ़ी लोगों को पसंद आने लग गया। एंड काफ़ी, मतलब मैं हमेशा ऐसा कोशिश करती हूँ कि ऐसे आइडियाज़ जो एक्चुअल में हो सकता है, कर सकते हैं कोई भी घर पे बैठ के। तो इस तरह से जर्नी शुरू हुई थी, और अभी वही चलते आ रही है, वैसे ही आइडियाज देते हैं, वैसे ही डिस्कशन होती है। ओके। प्रतिका, सो अभी आपको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं इस जर्नी में, कि आपको लगता है अच्छा ये स्ट्रगल है, या कंटेंट आइडियाज नहीं आ रहे हैं, या समझ में नहीं आ रही कि क्या बनाएं कि ऑडियंस को पसंद आए, किस तरीके के स्ट्रगल्स आपको फेस होते हैं इस कंटेंट क्रिएशन जर्नी में? बिकॉज आई फील मुझे टॉपिक्स ढूंढना, आइडियाज ढूंढने में काफी कभी कभार बहुत वो माइंड ब्लॉक आ जाता है, तो दिक्कत होती है। आई अग्री, ये होता है कि एक बार ऐसा लगता है कि अब क्या कंटेंट बनाएं, बट इसके लिए मेरा एक मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है, पर आपके यहाँ भी ज़रूर एक बार इसको रिपीट करूँगी कि व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल में, और मैं हर किसी को बोलती हूँ जो अपना कंटेंट शुरू करने वाले हैं, चाहे यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, जो भी है, हैव अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50 आइडियाज रेडी। ऐसा नहीं है 2-3 आइडिया आए और चलो चैनल शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, आप 2 बनाने के बाद बैठ जाओगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 50 आइडियाज का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। तो मैंने जब अपना चैनल शुरू किया था, आई हैड लिस्ट ऑफ मोर देन 50, अबाउट 70-80 आइडियाज मेरी डायरी अभी तक रखी हुई है। सो मैंने लिस्ट बना लिया था, तो मैं फोरम्स में जाती थी, पेरेंटिंग फोरम्स में, वहां पे देखती थी लोगों की क्या क्वेरीज है, फेसबुक ग्रुप्स में देखती थी, ब्लॉग्स में देखती थी, बहुत जहाँ जहाँ मेरे को हो सकता था वहाँ सब जगह देखती थी, और इस तरह से अपना लिस्ट बनाया था मैंने। तो क्या है, आप जल्दी से यू डोंट रन आउट ऑफ आइडियाज़, ठीक है। और वैसे तो आजकल बहुत सारे आंसर सॉक्रेट्स बोल के एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप सिर्फ आप अपना नाम दो टॉपिक का, और वहाँ पे खुद हज़ारों टॉपिक्स लिखे हुए आ जाते हैं। तो इस तरह से टूल्स बहुत सारे हैं, बट मैं अभी ये तो बात हुई स्टार्टिंग की, आप 50 आइडिया से शुरू कर रहे हो, बट अभी जब बीच में अभी के रास्ते पे आप हो, जो कि आपका मेन क्वेश्चन था, आई थिंक मैं बहुत सारा चीज़ सेव कर लेती हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि मेरे को इस टाइप का कुछ बनाना है। तो अगर मेरे को वो ब्लॉकेज आ जाता है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अपने सेव लिस्ट में जाती हूँ कि मेरे को किस टाइप का कॉन्टेंट बनाने की इच्छा थी जो मैंने पहले बनाई नहीं, ताकि उस टाइप का बना पाऊँ। और तो पिंटरेस्ट काफ़ी काम आता है आइडियाज़ के लिए, बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं वहाँ से। मेन क्या है, हम कंटेंट क्रिएटर्स को सिर्फ एक शुरुआती टिप चाहिए कि इस पे बना लो, फिर तो हम लोग खुद ही स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और खुद ही बना लेते हैं, बस वही स्टार्टिंग टिप कहीं मिल जाए तो काम बन जाता है। बट कोशिश करती हूँ कि वैसा नौबत आए ना। उसके अलावा अगर हम प्रतिका बात करें, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, हमें ये भी फोकस रखना है कि जितने भी हम आइडियाज़ लिख रहे हैं टॉपिक्स, वो सब एक ही नीश को बिलोंग करते हों, सब नीश माइक्रो नीशिंग करना आजकल बहुत ज़रूरी है। आपका क्या कहना है उस पर?
आई टोटली अग्री, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत सफर किया है. जब मैंने नीश चेंज किया, तो आप जब एक बार नीश चेंज करते हो ना, आपका व्यूज एकदम से गिर जाता है, क्योंकि लोगों ने आपको कोई एक टाइप के कंटेंट के लिए फॉलो किया था, अब आप कुछ और ही डाल रहे हो सिर्फ क्योंकि आपको नीश चेंज करना है, तो उसमें बहुत इशू हो जाता है एक बार में. बट फिर से बिल्डअप आप उसको कर सकते हो, इट विल टेक टाइम. सो इट्स बेटर कि पहले से डिसाइड करके रखो अपना माइक्रो नीश या नीश. जैसे जरूरी नहीं है कि आपको माइक्रो नीश में ही जाने पड़े. लाइक से अगर आप फिनेंस का चैनल शुरू करते हो, तो उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक फिनेंस आइडियाज दे सकते हो, या फिर सिर्फ स्टॉक पे ही बात कर सकते हो, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ही बात कर सकते हो. वो बहुत माइक्रो नीश हो गया. अगर आपको थोड़ा ओपन रखना है कि इन फ्यूचर में और भी कुछ बात करूं, तो थोड़ा सा ब्रॉड कर लो ना, फिनेंस को ही कवर करो, ताकि उसमें वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी डाल सको और कुछ बिजनेस रिलेटेड भी डाल सको, हर टाइप के डाल सको. सो बट हाँ, ओवरऑल आपका नीश एक ही होना चाहिए, वरना थोड़ी गड़बड़ हो जाती है लॉन्ग टर्म में. ओके कृतिका, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे भी बहुत ही एक्टिव हैं और यूट्यूब पे भी एक्टिव हैं, तो जो भी जितने भी मेरे न्यूबी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी? दे शुड स्टार्ट विद इंस्टाग्राम और दे शुड स्टार्ट विद यूट्यूब और इंस्टाग्राम? Instagram. They should definitely start with Instagram. Why I am telling you? क्यों? क्योंकि जब आप एक short video बनाते हो ना, video बनाना is an art which you eventually improve होगा. किसी भी channel में चले जाओ आपके favorite creator का और जाके उनके पुराने videos देखो, इतने वाहियात होते हैं. मेरे खुद के अगर जाके देखोगी तो कोई आवाज ठीक नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है. अभी तो मैं अपने टोन में ही बात, आप मेरे से अभी नॉर्मल बात करोगे तो भी मैं आपसे ऐसी बात करते हुए मिलूंगी, वीडियोस में भी ऐसी बात करती हूँ. पर पहले मैं बना बना के बोलती थी, एक एक्सेंट लेके आती थी, क्योंकि मेरे को लगता था शायद ऐसी वीडियो बनते हैं. तो शुरुआत में हम सब गलती करते हैं. YouTube में लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ होता है, ठीक है? तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ में आपको बनाने में टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगता है. Instagram में शॉर्ट फॉर्म है, विद इन 30 सेकेंड्स आपका वीडियो कंप्लीट हो सकता है. तो आप क्योंकि आप सीख रहे हो तो फटाफट बन जाएगा ना, तो आपका नेक्स्ट बनाने का मन करेगा. आप फेडअप नहीं होगे कि यार इतना लंबा वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, यू नो. एंड फिर शॉर्ट्स बन में डालो ना, YouTube में भी डाल दो, शॉर्ट्स में डाल दो. स्टार्ट करो Instagram से. एंड सेकेंडली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर नीश, कि आपका क्या नीश है. अगर आपका नीश ऐसा है जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तब आप यूट्यूब से शुरू कर सकते हो. जैसे मेरा इंस्टाग्राम पे एक सीरीज है, यूनिक बिजनेस आइडियाज नंबर, ठीक है? तो मैं उस पर 30-40-50 सेकंड का वीडियो बनाती हूँ. अब उसमें काफी व्यूज आने लग गए और बहुत सारे मुझे मैसेज आने लगे कि मैं हम लोग को थोड़ा डिटेल में समझाओ. अब मैं कर रही हूँ उसी आइडियाज को, अब मैं एक्सपैंड करके अपने यूट्यूब चैनल में डालूंगी कि उस जिसको डिटेल में देखना है वो यूट्यूब पे देख लो. यूट्यूब पे देख ले, राइट? तो आपने दोनों को पैरेलल ही चला दिया. हाँ, दोनों इंटरलिंक हो गए. आपका जो इंस्टाग्राम पे आएगा वो आइडिया ढूंढ के, वो ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी जाएगा इफ ही वांट्स टू नो द डिटेल. जिसको डिटेल में चाहिए वो यूट्यूब में जाके देख लेगा. दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजी आई वुड से, स्पेशली अ टिप फॉर द बिगिनर्स जिनको कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है. So, प्रतिका, आप क्या सजेस्ट करेंगे स्पेशली मेरी फीमेल ऑडियंस को, क्योंकि वो जनरली वर्क फ्रॉम होम के आइडियाज ढूंढती हैं, तो अगर वो इस कंटेंट क्रिएशन जर्नी में जाना चाहती हैं, जो स्किल्ड हैं और जो स्किल्ड नहीं है, उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए? कुछ टिप्स या कुछ नीशेस जो आजकल वो स्टार्ट कर सकती हैं जिसके थ्रू कंटेंट क्रिएशन? तो सबसे पहले तो ये वाला भ्रम निकाल दो कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है. ये सबसे बड़ा भ्रम हम सब में होता है कि मैं क्या ही वीडियो बना लूंगी, मेरे पास है ही क्या सिखाने के लिए, बताने के लिए. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर किसी को 1-2 का टेबल आता है ना, तो वो दूसरे को 1-2-3 सिखा सकता है. तो ये मत सोचो कि मेरे पास है क्या. आपको 2 का टेबल आ रहा है तो भी बहुत है. अभी आप जाके तुरंत यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू बॉइल वाटर, उसमें मिलियन से ऊपर व्यू है. लोगों को पानी बॉइल करना नहीं आता और आप बोल रहे हो कि मैं क्या ही सिखा दूंगी आपको, तो कितना कुछ आता है उससे रिलेटेड, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला चीज मन से निकाल दो कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, आपके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है? मेरा एक स्पेशली इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप अगर सर्च करोगे हाउ टू फाइंड योर टैलेंट कैप्टन प्रतिका लिख के सर्च करोगे तो वो वीडियो पहले में मिल जाएगा. उसमें मैंने 3-4 तरीके बताए हैं. वो सब सवाल अपने आप से करोगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका हिडन टैलेंट क्या है. उसमें से एक मेरा पॉइंट था कि अगर आप यू नो लाइक कोई ऐसा टॉपिक जिस पे मैं आपको बोलूं कि आपको प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा और आपको 2 घंटे की स्पीच देनी है, तो आप कौन से टॉपिक पे दोगे? आपको यहाँ पे तुरंत पता है कि आप कौन से टॉपिक पे 2 घंटा बिना रुके बात कर सकते हो विदाउट एनी प्रिपरेशन. वही आपका नीश है, आपको उसके बारे में वीडियोस बनाने चाहिए. वेरी गुड. या यू इट कुड बी लाइक कुकिंग, आपको बहुत पसंद है, आपको गैजेट्स बहुत पसंद है, सिलाई कढ़ाई, गॉसिप भी हो सकता है. बॉलीवुड गॉसिप बहुत पसंद है, हम 2 घंटा कर सकते हैं. तो यार गॉसिप वाले चैनल्स नहीं होते क्या? वो भी होते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्टेंट बना लो.
तो इट्स जस्ट दैट फर्स्ट फॉर यू फाइंड आउट कि क्या टैलेंट है, देन यू मेक वीडियोज अराउंड इट. क्योंकि अगर आप ऐसा चीज पे वीडियोज बनाओगे ना जिसमें आपको जो आपको पसंद है तो आपका मन करेगा, वरना क्या है सिर्फ इसमें व्यूज ज्यादा आते हैं तो ये मैं बना. बहुत सारे वीडियोज है ऐसे यूट्यूब पे देखना कि इसमें व्यूज ज्यादा आते हैं या इसमें पैसे ज्यादा बनते हैं, लोग उसको फॉलो कर लेते हैं. उसमें क्या होगा ना, आप दो वीडियो बनाओगे, चार वीडियो बनाओगे, बोर हो जाओगे क्योंकि आपकी पसंद की टॉपिक ही नहीं है. बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे. तो यू हैव टू चूज द टॉपिक विच यू लव. तो क्या आपको 50 भी वीडियो बनाने बोलेंगे ना आप बोर नहीं होगे, आप खुद नए नए आइडियाज के साथ आओगे, हाँ इस पे ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं. सो फर्स्ट टिप इज दैट कि फाइनल करो कि किस पे करना है, एंड सेकेंड टिप इज जस्ट गेट स्टार्टेड. स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दीज कि यार वीडियो अच्छा नहीं बनेगा, लोग क्या बोलेंगे, है ना तेना. आपको अगर लोगों का इतना परवाह है शेयर मत करो अपने फैमिली मेंबर्स को, बस दैट इज द बेस्ट थिंग. अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जा रहे हैं, डू नॉट शेयर विद एनीबॉडी, ओनली शेयर. यस, हम लोग यही रहता है ना कि मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स क्या बोलेंगे, मजाक उड़ेगा, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो मत शेयर करो ना. वैसे भी हमारे फैमिली से आप कितना व्यूज लेके आ जाओगे, 100, 200, 400, मैक्सिमम 1000 लोग होंगे आपके फैमिली ग्रुप्स में, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं. 1000 व्यूज से होता क्या है इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, कुछ नहीं होता. आपको चाहिए लाखों में व्यूज और वो आएगा ऑर्गेनिकली, वो फैमिली मेंबर्स से नहीं आने वाले. अगर आपको ये वाला बहुत ज्यादा खट, इसलिए आप रुके हुए हो कंटेंट बनाने से कि कुछ सब लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, स्टार्ट विथ फेसलेस वीडियो. पहले में चेहरे दिखाओ ही मत, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है धीरे धीरे चेहरा दिखाओ जैसे कॉन्फिडेंस आने लग जाए. शेयर मत करो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. इफ यू आर कॉन्फिडेंट जरूर शेयर करो, क्योंकि उससे भी आपको भी, अगर आपके फैमिली में आपके फ्रेंड्स में ऐसे लोग हैं जो आपको और मोटिवेट करेंगे तो आपका और मन भी करेगा, वो आपको और आइडियाज देंगे तुम ऐसे भी बनाओ वैसे भी बनाओ, तब और अच्छा लगता है. तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि कॉन्टेंट कहाँ शेयर करना है नहीं करना है, बट द पॉइंट इज जस्ट शुरू हो जाओ यार, करना है तो करना है बस, जस्ट गेट स्टार्टेड. और उसके अलावा अगर आपको डर है लोग क्या बोलेंगे, तो लेट मी टेल यू, वो जो चार लोग बोलते हैं ना आपकी फैमिली में, उनको आप अगर कंटेंट शेयर नहीं करोगे तो आप दिखोगे ही नहीं. जब तक ग्रो नहीं करोगे दिखोगे नहीं, तो उनकी तो परवाह छोड़ ही दो. और अगर उनको जिस दिन आप दिखने लगे तो समझ लेना कि आप ग्रो कर गए हो. अगर वो खुद आके बोलें कि अच्छा तुम कंटेंट क्रिएट करती हो या तुम यूट्यूब वीडियोस बनाती हो, तो समझ लेना कि तुम ग्रो कर गए हो. सो प्रतिका, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम पे, अगर सपोज किसी ने आज स्टार्ट कराया अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी, तो उसको उस मोनेटाइजेशन के लेवल पे आने के लिए कितना टाइम लगता है? इंस्टाग्राम पे देखो, इंस्टाग्राम खुद तो कुछ पैसे देता नहीं है, चाहे आपके 1000 व्यूज है चाहे मिलियन व्यूज है. पहले बीच में थोड़ा दिन के लिए निकाला था, आप तो शायद सुना है, वो भी नहीं है. या तो इसमें सिर्फ स्पॉन्सरशिप एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो, या अफिलियट मार्केटिंग है. अफिलियट तो बहुत आगे की बात हो गई, पहले आपको लोग चाहिए तब तो वो अफिलियट लिंक पे क्लिक करेंगे. तो आई थिंक वैसे तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स इवन 2000-3000 फॉलोअर्स के बाद भी लोगों को बार्टर कोलैबोरेशंस मिलने लग गए हैं आजकल. ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिर्फ 2000 फॉलोअर है तो आपको बार्टर नहीं मिलेगा. तो ऐसा हो सकता है, स्पेशली अगर आप माइक्रो नीश में हो, जैसे कि अगर आप मॉम ब्लॉगर हो, तो बहुत सारे बच्चों रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बार्टर के लिए रेडी होते हैं. आप अगर 2000 या 1500 फॉलोअर्स में भी रेडी हो जाते हैं करने के लिए, तो आप तभी से शुरू हो जाती है. और फिर तो जैसे जैसे आपके बढ़ते जाएंगे तो आपको कोलैबोरेशन भी बढ़ते जाएगा. ओके, सो स्टार्टिंग में लेट्स से कि अगर किसी की 10K फॉलोइंग 3-4 मंथ में हो जाती है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली एक इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू वो कितना अर्न कर सकता है, कुछ अप्रोक्सीमेट फिगर मेरी ऑडियंस को आप बताना चाहोगे? मैम ये बहुत डिपेंड करता है नीश पे. सपोज करो आपका फिनेंस रिलेटेड नीश है, तो आप 10,000 फॉलोअर्स में, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगेजमेंट, आपके 10,000 फॉलोअर तो है पर आपके रील में अगर 400-500-800-1000 व्यूज आ रहे हैं, तब हो सकता है आपको कम मिले. आपके 10,000 फॉलोअर्स है पर आपके व्यूज आ रहे हैं 5,000-6,000, तो आपको ज्यादा मिलेगा. उस पर भी डिपेंड करता है, बट फिर भी आप जैसे पूछ रहे हो एवरेज में बताती हूँ, फॉर 10,000 I think you can charge anywhere up to 5,000 to 7,000. 5,000 to 7,000 for a very good niche. Okay. For a very general niche, मतलब जैसे आपके niche में बहुत सारे creators हैं, तो उसका price कम होते चला जाएगा. और आपका niche ऐसा है कि बहुत limited creators हैं, तो आपकी demand उतनी बढ़ेगी. तो मतलब मेरा भी यही मानना है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो, विद इन 4-5 मंथ कंसिस्टेंसी रखते हो, एंगेजमेंट बढ़ता है, तो आप आराम से 10,000 से 25,000 रुपये आराम से कमाने लगोगे. ये गारंटी तो होती है, प्रोवाइडेड कि आपका एंगेजमेंट अच्छा हो और आपका
कंसिस्टेंट हो अपने चैनल पे या पे. सो प्रतिका, क्योंकि हम यहाँ पे मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आप बताना चाहोगे कि आपके कौन कौन से इनकम स्ट्रीम्स हैं एज ऑफ नाउ? श्योर, मेरे आई थिंक मैं वही जो नॉर्मली सारे कंटेंट क्रिएटर्स के इनकम स्ट्रीम्स होते हैं, यूट्यूब का एडसेंस रेवेन्यू है, कोलैबोरेशंस है, अफिलिएट है, इसके अलावा मेरा एक कोर्स भी है जहाँ पे मैं सिखाती हूँ कि एक ऑनलाइन बिजनेस फ्री टाइम पे कैसे करते हैं, तो वो है. इसके अलावा मेरा एक बिजनेस है आईफोन कवर्स का, coverful.in बोल के वो है. और थोड़े बहुत कभी कभार हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी, मैं कोलकाता में रहती हूँ तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स की ज्यादा डिमांड होती है तो हम लोग ऑफलाइन सेशंस भी करते हैं. So, प्रतिका, आपको अभी कितना टाइम हो गया इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में? ओवरऑल आई वुड से 5-6 इयर्स हो गए हैं. यस, मैंने 2017 में शुरू किया था. 5 साल हो गए. 5 साल में आपने काफी अच्छी फॉलोइंग जनरेट किया, एंड आई बिलीव आपके 2-3 चैनल्स भी, एक कड़क कंटेंट चैनल है, एक कैप्टन प्रतिका चैनल है, एंड देन इंस्टाग्राम पे भी आपका पेज है. कंटेंट, कड़क कंटेंट में मैं शेयर करती हूँ कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो करते हैं, उस पर वीडियोज बनाती हूँ. उनको आपके वीडियो से, आपके पॉडकास्ट में कुछ अच्छा नया सीखने को मिला होगा. और थैंक्स अटन फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच अनम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आई होप आपके ऑडियंस को कुछ इंसाइट्स मिले होंगे और थोड़ा हेल्प मिला होगा. और प्लीज डोंट फॉरगेट, जस्ट स्टार्ट करने की देरी है. यस, वी ऑल हैव टू स्टार्ट.